इसी इन्ना अक्रमा को मैं के जेल में देखिएगा हज़रत इमाम खुमैनी की शख्सियत को तीन जून थर्ड जून यानि नाइनटीन एटी नाइन उनकी बरसी की तारीख और उसी मुनासिबा से आज चूंकि फोर्थ जून है तो हमने बरसी के हवाले से भी इमाम खुमैनी रहमा उन्हें खराज अकीदत पेश करने के लिए भी ये सिलसिला रखा है हदीसी मौलाम एक है मैं 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 मेके ज़रिए से इमाम खुमैनी की शख्सियत के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा लेकिन यह कि इन्ना अक्रमा को मैं उनकी ज़िंदगी से भी सीखने की जरूरत है जब आ, काम जो है वो बहुत इलाही काम थे उनके और आ, मैं एक वीडियो देख रहा था एक मुश्त हैं बल्कि मर्जे हैं आयतुल्ला शुबैरी जनजानी तो शुबैरी जनजानी जो हैं वो फरमाते हैं कि मैंने इमाम खुमानी की जिंदगी में देखा कि किसी की तारीफ़ करने में अगर उसमें वो देखते थे लियाक़त और अहलियत है किसी की तारीफ करने में कहीं कभी भी बुखल से काम नहीं लेते थे यह भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किसी की तारीफ करे कोई एक डिजर्विंग है कोई एक अहल है उसकी तारीफ की जाए ये हम अपने आप को रोक लेते हैं थोड़ा सा क्योंकि हमारा नफ्स रोक लेता है कि यार तो कहीं ऐसा ना हो कि तारीफ कर लो तो कहीं उसी की जो है वो उसको लोग जो है ना न उसको उसको वाह करने लगें या उसके बड़े कायल हो जाए तो नहीं कहते हैं आयतुल्ला संजानी कहते हैं कि इमाम खोमैनी किसी की तारीफ करने में कहीं पर भी हिचकिताते नहीं थे अगर ये तारीफ वो तारीफ हो रही है कि जो जेनुअन तारीफ है ठीक है जो वाकन जो डिजर्व करता है फिर उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई उनकी अपनी तारीफ करता था तो उससे वो बहुत अवॉइड करने की कोशिश करते थे और इसकी एक वीडियो मेरे पास पहुंची एक, एक इज्तम हो रहा था इमाम खोनी के मुझे उनकी वीडियो मेरे पास मेरे मोबाइल में मौजूद भी है कि जो मुख्तलिफ़ इमाम जमात हैं जो जुमा पढ़ाते हैं ईरान में उनका इज्तिमा था तो वह सब इमाम खमैनी रहम के पास आए हुए थे तो आयतुल्ला मशकीनी उन तमाम की जानब से एक नुमाइंदा बनते हुए गुफ्त करते हैं इमाम खोनी से माइक पर और वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने आगाज़ किया आयतुल्ह मशकीनी नेमाम खुमैनी को मखातब करने के लिए तो उन्होंने स्टार्ट इस तरह से किया औरज़ुबिल्ल बसमिल्ल और ख़ुतबे के बाद के आ, आ, मिसाल के तौर तो पर रहबर बुज़र्ग और रहर कबीर इस्लाम और मर्ज अली कदर फिर कहा कि मलजा मावा हैं तमाम मुत्फीन जहान के लिए और आ, सलाम सलामुल्ला और आप पर अल्लाह का सलाम हो हमारी जानब से भी सलाम हो अबदम माबीद जुमला भी का कि जब तक कि हम बाकी आप पर सलाम हो तो इस तरह से उन्होंने तारीफी कलमात कहे तो माम की जब तक शुरू हुई तो इब्तदा में फौरन उन्होंने कहा आयतुल्ला गिला रखता हूं मुझे शिकवा है को इस तरह से मनसूब ना करें कि हमारे ऊपर और बोझ बढ़ता चला जाए वो सबके सामने कह रहे हैं सुबहान अल्लाह इसके लिए बड़ा इलाही दिल चाहिए कि आप एक शख्स के जो तारीफ आपकी कर रहे हैं लेकिन आप कहें कि नहीं ना इस तरह से ना कहो और यूं कहा कि हम तो फकत जाहिर शरीयत पर अमल करने वाले हम तो बातिन तक नहीं पहुंच सकते तो वो आप बोझ मुझ पर ना डालें कि जो पहले ही हम पर बोझ है उसमें और भी इजाफा होता चला जाए ठीक जब तहरान पहुंचे तो कहते हैं कि शायद 20 लाख अफराद का मजमा था और 20 लाख अफराद उन्हें लेने के लिए तकरीबन एयरपोर्ट पर आए हुए थे तो इतना बड़ा जो मजमा था एक आयतुल्ला पसंदीदे उनके साथ होते थे उनसे कहा कि ये सब इस वक्त कह रहे हैं कि खुमैनी जिंदाबाद अगर ये सब मिलकर भी कहें नकलें मैं वो कर रहा हूँ उनका उनका कॉल नकल कर रहा हूँ कि अल्लाह ना करे बस मैं अपनी ज़बान से खाली उनका कॉल नकल कर रहा हूँ अगर सब मिलकर भी कहें खुमैनी मुर्दाबाद तो मेरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बीस लाख अफरा कहें खुमैनी जिंदाबाद बीस लाख अफराद कहें ख़ुमैनी मुर्दाबाद मेरी जात पर इस एतबार से कोई फर्क नहीं पड़ता इसलिए जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ अल्लाह सुबहानु तातिर कर रहा हूँ बहुत मुश्किल काम है यहां तो मैं अपनी साथ के हवाले से देखूं कि चार तारीफ करने वाले हों को दुनिया में नाम होने लगे तो मुझे अपने आप को संभालना मुश्किल हो जाता है एक आम इंसान को संभालना अपने आप को मुश्किल हो जाता है कि अगर चार लोग उसकी तारीफें करना शुरू हो जाए वो अपने आप को वाकन पता नहीं क्या आपको समझने लगता है तो यह इलाही जो एक विजहा है वो बहुत ही आली था और मैं मौलाए कायनात की हदीस को सुनाकर कर आपकी खदमत में इस बात को अख्तितम करूँगा कि जाम अखबार किताब में हदीस मौजूद है हमारी कदीमी किताबों में से और हती शर नज़़रबलागा में भी इबन अबिलदीत मोतजली ने भी इस हदीस को लिखा है इसका मतलब यह है कि ये हदीस या सुन्नी मदारिक दोनों में आई हुई है कि मौला कायन से हदीस है हमारे यहाँ पर और उनके यहां से है कि मन जन्ना मतलबा कि अगर जमा हो जाए गौर से सुनिएगा फरमा अगर मोलाम ने कि अगर सिफात किसी में जमा हो जाए तो फिर उसको जन्नत में पहुंचने तक कोई रोक नहीं सकता बड़ा खूबसूरत है वाला नारा और उसको जहन्नम से बचाने के लिए भी अब कोई मुश्किल नहीं है जिसमें ये छह खसूसियात जमा हो जाए फिर फरमाया कि पहला क्या है आरफ खुदा की मारिफत हासिल करें और फिर खुदा की इताद करें पहली बात अगर किसी में ये खसलत खूसियात जमा हो जाए और यही मैं तोहिद के हवाले से कहना चाह रहा था और यही मैं अखिलास और खलूस के हवाले से मनी रहमा की जिंदगी में कहना चाह रहा था कि वाकिन जिसको अल्लाह की मार्फत हो जाए अल्लाह की मार्फत के भी मुख्तलिफ तरीक़े अहलबैदल ने फरमाया है इलाही अमीन अल्लाह की मारिफत के भी मुख्तलिफ मुख्तलिबैतम का तरीका जो था वो तो ये कि बराह अल्लाह के जरिए से ही उन्होंने खुदा को पहचाना उनके जरिए उन उनमें तो कोई और दरमियान में वसीला था, था ही नहीं क्या ना बेका अरफ तुक मैंने तेरे ही जरिए तुझे पहचाना है वह अनता दल तनी अलह और तू ही खुद अपने आप पर ही दलील है मेरे लिए सुबह अल्लाह यह तो इमाम हुसैन अल्लाम का मकाम रफ़ा में नमन दल ही बिताते मोलाए कहना दुआ सबाह में कहते हैं कि ए वो कि जो खुद ही उसकी उसकी ज़ात पर दलील है मुझे किसी और दलील की जरूरत ही नहीं है मत तहता जला दलील परवरदि तू मेरे लिए गायब कब था कि तेरे लिए किसी दलील की जरूरत पड़ जाए सुबह

यानी वो सामने देख रहे हैं गोया खुदा के वजूद को कल की बसीरत से देख रहे हैं फिर एक खुदा की मारिफत होती है कि जो अपने नफ्स के जरिए खुदा तक पहुंचे मन रफा नफसा फ़कता रफा रब्बा जो अपने नफ्स के फख्र को महसूस करे कि मैं कितना मोहताज हूँ मैं कितना फकीर हूं मैं लम्हा ब लम्हा किसी अता करने वाले मोहताज हूँ अगर मेरा कोई खालिक ना होता तो मेरा वजूद ना होता मन्बा जो अपने नफ्स के जरिए तक पहुँचे ये दूसरा मरहला होता है फिर तीसरा मरहला होता है कि वो कायनत के निजाम को देख कर अल्लाह तक पहुँचे वह सनूरी हिमायात नाफिला वफ़ी तब के हम दिखला रहे हैं और दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियों को आफाक में और तुम्हारे अपने नफ्सों में यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि हक सिवाय खुदा के और कोई नहीं है ये ये मारफ का ख़जाना है सुबह अल्लाह हमारे पास तो एक फिर हम कायनात से खुदा तक पहुँचते हैं का मकाम वो खुद खुदा ही के जरिए खुदा तक तो पहुँचते हैं वो बीच में कुछ है ही नहीं जब उन्हें अल्लाह ने खल किया तो कायनात थी नहीं तो खुदा ही था फ़कत तो खुदा के ज़रिए से उन्होंने खुदा को समझाए फिर एक है कि हम अपने नफ्स के ज़रिए से खुदा को समझें तीसरी मंजिल है कि कायनात के ज़रिए से खुदा को समझें फिर फलासफा जो है वो अकली दलीलों के जरिए से खुदा तक पहुँचते हैं ठीक है ना कि खुदा वजूद है हम मुमकिन वजूद हैं खुदा का जो शरीक को हो नहीं सकता वो वह वजूद है तो मुमकिन मोहताज है वाजबल वजूद का ये सख्त अकली दलीलें होती हैं जिसके जरिए से खुदा तक पहुंचा जाए बहरहाल किसी भी तरीके से कोई खुदा तक पहुंचे लेकिन मौलाए कायनात कहते हैं कि जिसमें ये छह चीज़ें जमा हो जाए उसे जन्नत पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता ये अली कह रहे हैं जो खुद खुदकसीम उल्नत बनना है पहला कहा कि अगर कोई खुदा को मारिफत हासिल कर ले कमा हक को तो कोई समझ ही नहीं सकता लेकिन वो अपनी हैसियत तो और बिसात के मुताबिक अगर खुदा की मारिफत हासिल कर ले और खुदा की इताद करना शुरू कर दे उसे जन्नत पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता आपको हमारे ओलमा में नजर आता है और क्या हजरत इमाम खुमैनी के हवाले से जिक्र हो रहा है तो मैं उस हवाले से जिक्र कर रहा हूँ और दूसरा फक़त खुदा को पहचाना जरूरी नहीं है इमाम ने आगे फरमाया कि आर एफ शैतान फा आशा हो वो शैतान को भी समझ जाए और शैतान की मुखालिफत शुरू कर दें ठीक है यह भी जरूरी है शैतान के चालों को भी समझना जरूरी है कई मरतबा शैतान होता है वह दिल में आकर ऐसे ऐसे वसफ डालता है और वाकई इतना बढ़ा चढ़ा कर इंसान को अपने आप को पेश करता है कि वो समझने लगता है इंसान के पता नहीं वाकई में लगता है कि इससे अच्छा तो मेरे से अच्छा तो मोमिन अच्छा तो मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा कम से कम मेलबर्न में तो मेरे से अच्छा कोई मोमिन नहीं है ये इंसान समझने लगता है अपने आप को ना ये शैतान को भी वो पहचाने का शैतान कभी हसद डाल रहा है मेडिल में कभी वसवसा डाल रहा है कभी हरूर डाल रहा है कभी तकबर डाल रहा है तो शैतान को भी समझे शैतान की चालों को और फासा हो और कई मरतबा ऐसा होता था हमने ओलमा से सुना है कि मसन अभी तो इनकब आया भी नहीं था इमाम खुबैनी रहमान नजफ अशरफ में होते थे तो उनके पास कुछ लोग आते थे उनकी बड़ी तारीफें करते थे इतनी तारीफें करते थे कि ऐसा लगता था कि बस इससे ज़्यादातर तो वो मतकद है न इमाम खुबैनी का और जो बाद में जो उनके अतराफ के अफराद होते थे इमाम खुबैनी वो बयान करते हैं कि इमाम खुबैनी हमसे कहते थे कि इन लोगों से बच के रहना ये जो मेरी अभी ये बात करके गया ना इससे बच के रहना जरा हम कहते थे अरे ये तो आपका बहुत मोतख बहुत मुखलिस लग रहा है वो कहते थे कि नहीं ये बाद में तुम्हें पता चलेगा ठीक है तो वो शैतान की मकारियों को भी समझता हो इंसान और फ़ासा हो और उसकी मुखालिफत कर सके वह आरिफत दुनिया फरफोगा और वो दुनिया को और आराफ़ा सॉरी माजरत वाह आरफत दुनिया फरफो वो दुनिया को पहचानता हो और दुनिया को ठुकराना भी जानता हो अल्लाह ये मौला कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा हो जाए तो फिर वो जन्नत में पहुंचने से उसे कोई नहीं रो सकता ठीक है अच्छा वो आरफ अल आखर फलबा और आखरत को भी पहचानता हो वो आखरत की भी मारिफत रखे और उसके लिए अपनी जिंदगी में बस उसकी जिंदगी का हम हम्म गम बन जाए कि मुझे आखरत चाहिए वो आरफ अल बातिल फातका को भी समझे और बातिल से अपने आप को बचाए और वाराफ हक और हक़ को समझे फ तबाह फ तबाह और हक की इतबा करे यह हक़ का इतबा करे ये वो शख्स है कि जो मौला ने कहा कि ये जन्नत में जाएगा तो हमें खुदा को भी पहचानना है शैतान की मकारी को भी समझना है और दुनिया को भी पहचानना है कि दुनिया हमें कैसे फरेब दे रही है आखिरत को समझना है दुनिया को समझना इसलिए कि ताकि हम दुनिया को ठुकरा सकें आखिरत को समझना इसलिए कि हम आख़रत को तलब कर सकें बातिल को समझना है ताकि बातिल से अपने आप को बचा सकें हक़ को समझना है ताकि हक का इतवा कर सकें इन शुभन हमें तोफी नायत फरमाए और हम इस में आगे बढ़ सकें तो रामी ये सफ़ात आपको में मराजे में और बिलखसूस हजरत खुमैनी रहमान में बहुत वाजह होकर नजर आएंगी इलाही जिंदगी थी लिहाजा आखिर में ये कहा कि बा कल भी आराम व दिले मुतमिन अज़ दुनिया मीर रवम बहुत बड़ी बात है ये कि मैं मुतमिन दिल के साथ और एक आरामदेह नफ्स के साथ कोई बोझ नहीं है मेरे दिल पर दुनिया से जा रहा हूं वक्त आखिर बहुत से रिग्रेट्स होते हैं इंसान को कहा आज फला ना किया होता ऐसा ना किया होता वैसा ना किया होता ये ना होता वो ना होता क्या मैं मुतमिन दिल के साथ दुनिया से जा रहा हूँ जो क्योंकि इम खुमैनी मकतबैद के शागिर्द हैं तो ये आपको शबी नजर आएगी जो इमाम मुतलक मौला अली मुर्तजा सलात उनसे दर्द हासिल किए हुए ना तो लिहाजा जब अली के फ़र्क अकदस पर जरबत लगी तो अली कहते हैं फुस्तवा रबा काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गई ने। ने। ये काबे के रब की कसम अली कामयाब हो गया ये बहुत बड़ा मामला है कि इंसान वक्त आखिर किसी महजरत के जो ये कह सके कि हाँ मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि मैं कामयाब हो गया ये अली मुर्तजा आसलाम उनके खान वादे का मकाम है और मरतबा है और इमाम हुसैन लिए रिवायात में है कि जैसे जैसे आशूर का दिन गुजरता चला जा रहा था उनके चेहरे का नूर और नुमाया होता चला जा रहा था अल्लाह अकबर ग्रामी जिसने 18 बरस के जवान कड़ियल लाशे को उठाया हो तो चेहरे पर तो वैसे ही जौफ आ जाना चाहिए और चेहरा मुरझा जाना चाहिए फिर जिसने छ महीने के अपने मासूम बच्चे का सर और गला जिबा होते हुए देखा हो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए जिसने अपने भतीजे की लाश के टुकड़ों को उठाया हो जिसने अपने ओन मोहम्मद जैसे भांजों के लाशों को उठाया हो एक के बाद एक इतनी शहादतों को देखा हो जो जानता हो कि अब जब मैं यतीम हो जाऊंगा तो मेरी बच्ची को तमाचे लगाए जाएंगे जो जानता हो कि जब मैं जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो मेरी बच्ची को तमाचे लगाए जाएंगे जो जानता हो कि जब मैं शहीद हो जाऊंगा तो यह, मेरी खाहर के सर से चादर छीन ली जाएगी इतने सख्त तरीन मसायब होंगे लेकिन फौज यजीद में से एक शख्स का बयान है कि मैंने वक्त आखिर हुसैन को देखा तो उससे ज्यादा उनसे ज्यादा चेहरा अनवर मैंने किसी और का कभी देखा ही नहीं था जिंदगी में सुबहान इतना नूरानी चेहरा तो ये हुसैन चूंकि वो तो खुद बाबुल्ला है सुबह अल्लाह सुबहानल्लाजीजा नगरी मैं आपकी खिदमत में बस इन मसाहब के साथ इख्ताम कर रहा हूं अब आते आते और अल्लाह सुन व तौला इमाम ख़ुमैनी रहमा उनकी रूह को मजीद बुलंद फरमाए और सैदुलशहदा के साथ उनकी रूह को मुलहक़ फरमाए इसलिए कि बार बार कहा करते थे कि जो कुछ माँ हर चे दारी हुसैन जो कुछ हमारे पास है वह हुसैन की वजह से है और ख़ुद पर सख्त तरीन मुसीबत भी आती थी मैंने डॉक्टर रफ़ी से यह सुना था कि खुद पर सख्त तरीन मुसीबत भी आती थी तो इमाम खोबैनी कोहे जीवार की तरह मतलब रोते नहीं थे कभी भी इस तरह से हती ये कि खुद के जवा साल मतलब बेटे की शहादत हो गई मुस्तफ़ी को नजफ़ में खबर आई और आलिम बेटा इतना लायक और मती बेटा तो लोग हैरत से देख रहे थे कि इमाम खोनी रो नहीं रहे तो बाज़ लोग कहने लगे कि खैरियत तो है कहीं ऐसा होता है ना जब बहुत ज्यादा शौक़ लग जाता है इंसान को तो फिर वो रो भी नहीं पाता वो कहीं ये कैफियत तो नहीं है तो बाज लोग परेशान हो गए तो आ गए कौसरी जो इमाम खुमैनी के पास रहते थे और उनकी यानी इमाम हुसैन के मसायब वो पढ़ा करते थे उनके पास तो कहते आगे कौसरी गए उनके पास और उन्होंने जाकर शहजादा अली अकबर के मसायब पढ़ना शुरू किए तो धाड़े मार मार कर इमाम खुमैनी ने रोना शुरू किया जैसे ही शहजादा अली अकबर के मसायब का जिक्र हुआ तो हजार ग्रामीण जिसका दिल हुसैन से जुड़ा हुआ हो और हक़ है इस बात पर देखें इफरात व तफरी दोनों मामला में ठीक नहीं है अब मैं मंजिल मसायब पर हूँ तो मैं इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा लेकिन अफरातो तफरी ठीक नहीं है बाज़ लोग ये कहें कि जनाब आ, ये रोने में क्या रखा है हमें तो कुछ मस्बत काम करना चाहिए कोई प्रैक्टिकल काम करना चाहिए बिल्ला ऐसा नहीं कहना चाहिए और अगर कोई यह कहे कि बस अगर मैं रो लूंगा इमाम हुसैन पर तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ और तो ख़त्म हो जाएंगी नहीं अफरा तफरी सही नहीं है माशरे के प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव काम वो भी अपने मकाम पर जरूरी हैं उसी तरीके से अब आबला हुसैन आई साम पर गिरिया भी उसी तरीके से जरूरी है और इमाम हुसैन सलाम पर जो गिरिया है वो बस मैं आखिरी मंजिल पर यह आया कि इमाम हुसैन का चेहरा जो है वो और ज़्यादा नूरानी होता चला जा रहा था लेकिन ालिमों ने अब मैं सख्त जुमला कहने लगा इन आप गिरिया फरमाएंगे अपने अपने घरों में ालमों ने हुसैन के लाशे के साथ वो काम किया कि बेटी ना पहचान सकी बाप के लाशे को मों ने हुसैन के लाशे के साथ वो काम किया कि बहन गोया ना पहचान सके भाई के लाशे को आंत हुसैन क्या तू ही हुसैन है लाशा इस कदर टुकड़े टुकड़े हो चुका था अजीजों जब करबला हमारी दुआए के जल खुल जाए और हम पहुंचे करबला मोल्ला जब करबला जाना तो ये ना समझना कि हुसैन का कोई जिसमें अतःर गोया दफन है बल्कि लाश के टुकड़े हैं कि जो दफन है लाश के टुकड़े हैं करबला मोल्ला में कि जो दफन है जब जरिए मतहर के पास पहुँचना तो ये तसवुर करना कि एक सर बुरीदा लाशा है और लाश के टुकड़े हैं अजीज़ा निगरामी जब हमारे लिए सुनना इतना सख्त होता है तो ज़रा सोचो कि जब सैद सजात ने अपने बाप को दफनाया होगा इमाम खुमैनी की बरसी का मौका है उनके लिए तारीख का कहते हैं कि बड़े जनाजों में से एक बहुत बड़ा जनाजा था इमाम खुबैनी रहमा का कहते हैं कि 10 मिलियन अफराद एक करोड़ अफराद के जराजे में कफन दिया गया कफ़न को तबरकन लोगों ने ले लिया फिर कफन लेकर चले गए वो दूसरा कफन दोबारा से दिया गया जो हुसैन के दर के शागिदों उन्हें तो ये नसीब हो जाता है कि दो दो कफन मिल जाएँ लेकिन ख़ुद आका अब आब्दुल्ला हुसैन आसमाम तीन दिन बेगोर कफन हुसैन का लाशा करबला मौल्ला की ज़मीन पर था और कोई दफनाने वाला मौजूद नहीं था एक बेटा था लेकिन हाथों में हथकड़ियाँ थी पैरों में बेड़ियाँ थीं قال ميخار دار توخ انا لله وانا اليه راجعون رضا بقضائك وتسليما لامرك وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون السلام عليك يا ابا عبد الله ابن کربلا لے کر چلیں. وعلى الارواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين